नमस्कार, बिहार विद्यालय में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। 21 जून योग दिवस भारत में एक नए संस्कार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ था। हालांकि बाबा रामदेव के द्वारा इस कदम को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि इस आइडियोलॉजी को देश के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा विदेशों में भी इसे इतना ज्यादा प्रचार प्रसार कराया कि अब विदेश के लोग भी योग दिवस पर इस तरह अपना योगा करते हैं, अपने स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करते हैं। तो हम बताते हैं, दरभंगा के हराही पोखर पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन ने वहां पर सबको शपथ दिलाई योग दिवस के अवसर पर। यही नहीं, इसके अलावा दरभंगा में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। योग निश्चित तौर पर आपके शरीर को न सिर्फ स्वस्थ रखता है बल्कि आपकी मानसिक शक्ति को भी बढ़ावा देता है। योग एक ऐसा साधन है कि अगर आप इसे साध कर लिए तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, जिसका प्रयास और जिलाधिकारी ने बताने का प्रयास किया। तो आज पूरे बिहार में भी योग दिवस के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। हम सब लोग जानते हैं कि करोड़ों लोग माँ गंगा पर अपने जीवन के लिए आश्रित हैं, मगर आज यह पवित्र नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अब हम लोग शपथ, मैं आगे आगे बोलूंगा और आप लोग दोहराइएगा, भारत के नागरिक के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूं, मैं शपथ लेता हूं कि गंगा के घाट को साफ रखूंगा, गंगा के घाट को साफ रखूंगा, स्वच्छ रखने के लिए, गंगा के स्वच्छ रखने के लिए लोगों को प्रेरित करूंगा, गंगा में कूड़ा कचरा व पॉलीथीन नहीं डालूंगा, गंगा में नहाते हुए डिटर्जेंट का प्रयोग नहीं करूंगा। धन्यवाद। योग दिवस के अवसर पर दरभंगा जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, साथ ही गंगा स्वच्छता शपथ का भी आयोजन किया गया है और पृथ्वी के समस्त जीव स्वस्थ रहें, इस प्रकार की कामना इस अवसर पर हम लोग करना चाहेंगे। सर, आज किन किन लोगों ने इसमें शिरकत किया? और दरभंगा जिले के नागरिक गण, हमारे जनप्रतिनिधि गण और हमारे जो युवा हैं और जो पदाधिकारी गण हैं, सब लोगों ने इसमें अपनी शिरकत की है। आम नागरिक लोगों ने भी इसमें अपनी भागीदारी। कितना फायदा होता है इस तरह के कार्यक्रम से, कितना लाभ आम लोगों के अंदर, क्या संदेश जाता है? एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है योग के माध्यम से। शरीर को स्वस्थ रखने की बात तो होती ही होती है, साथ ही एक सकारात्मक संदेश समस्त जड़ चेतन में जाता है और उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूरे विश्व के लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। हम लोग मिथिला में भी, दरभंगा के धरती पर भी आज इसका प्रातः से आयोजन से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अभी आपको जो है देखे कि एक हम लोग योगाभ्यास प्राणायाम वगैरह कराए, उसके बाद अभी हम लोग प्रभातेंगे उस प्रभात फेरी के आने के बाद यहाँ जो है हम लोग कुछ हर्बल वात वगैरह पिलाएंगे लोगों को जो है जागरूक करने के लिए। उसके बाद अल्पाहार देंगे, फिर 10:30-11 बजे से हम लोगों का ओपन मंच रहेगा, जिसमें जो लोग यहाँ के बच्चे हों, अपने जो है नागरिक हों, अपने प्रतिभा दिखलाना चाहते हों प्रतिभा दिखला सकते हैं। फिर 2 बजे से हम लोगों का जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग के द्वारा एक कार्यक्रम जो है 2-3 घंटों का होगा जो है। और उसके बाद 5 बजे से एक जो है आपको जो है हमारे बंगलोर से श्री श्री आश्रम से एक जो है श्रीधर रोहित श्रीधर जी आए हुए हैं, उनका जो है भजन गायक जो है आपको होगा 1.5 घंटे का जो है। तो हम लोगों का 7 बजे हम जो अच्छे कुछ कार्य कर रहे हैं, हमारे बच्चे हों जो है या साधक हों, उनको हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए थोड़ा पुरस्कार के रूप उनको सम्मानित करेंगे जो है। तो इस टाइप का आज का दिन भर कार्यक्रम।